अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद है हमारे चैनल पर। तो आजकल यूनिवर्सिटी में जो है वो पेपर है नेक्स्ट वीक से, तो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के सरगर्मियों में मशगूल हैं। तो इधर कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनके पेपर कब हैं और ये कैसी तैयारी जा रही है। तो ये लगे इस वक्त पढ़ाई में मशगूल हैं, वो भाई को देखे उनका सर तकरीबन गोडों में जा चुका है। मेरा ख्याल अगर हफ्ते तक पेपर ना लिए गए तो इनकी गर्दन लत के जा फैनी है। और ये भाईजान देखें, बेचारा अच्छा खासा था, 90 kg वजन था जब ये आया था, घिस घिस के अब घर वाले नहीं पहचानते इसको, इतने भाई की हालत ख़राब हो चुकी है। तो भाईजान, एक्सक्यूज मी ब्रदर, हेलो, ओए सुनना के नहीं, ऑडियंस से सलाम करें, सलाम दुआ करें। ये देख सकते हैं आप कितने मसरूफ़ हैं बच्चे, कि उनके पास टाइम नहीं है कि एक यूट्यूबर को जो है वो हेलो हाय कर लें, उसके साथ जो सलाम दुआ कर लें, इतना भी टाइम नहीं है। चलें हम दूसरे कंटेस्टेंट के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये अच्छा बच्चा है, देखें ना, अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है। और सुनाएं भाईजान, क्या हाल चाल है? हमने देखा आपको, आप बड़े जो है वो दिल लगा के मेहनत कर रहे थे, थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल किया करें आपकी, पहले माशाल्लाह से आए, जिस तरह आप पढ़ रहे थे गर्दन लत के जा पानी थी आपकी। ओह, तो इस वक्त क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? स्टैट्स पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। वैसे आपका डिपार्ट कौन सा? मैथमेटिक्स। से हम आप सेकंड सेमेस्टर में हो चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले से अब ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि पिछले में हमने बहुत कम मेहनत की थी। अरे तीर मारे हैं आपने? हाँ, तीर मार लिए थे, तो इसलिए अब इतनी मेहनत करनी है कि हमारा जो सारा वो हमारे गोड़ों में आ चुका है। नहीं नहीं, आप मेहनत भी करें, साथ में कुछ खाएं पिएं भी, वरना ऐसे ना हो कि आपकी गर्दन लत के जाना। आप आपने जाने इन बच्चों के हाल, और ये इस वक्त मैथमेटिक्स डिपार्ट से हैं और शदीद किस्म की पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि पेपर सर पे हैं, एनुअल पेपर हैं, और इनके बाद हो भी जानी छुट्टियाँ हैं, तो वो जो नंबर होंगे वो 2 महीने के लिए घर रहना है, तो वो घर वालों से सुनने पड़ेंगे, लिहाजा अच्छे नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल यूनिवर्सिटी में आप आएंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा आजकल पढ़ाई में लगा होगा, तो हर तरफ जो है वो बच्चे शदीद किस्म की मेहनत कर रहे हैं। आपको हम मज़ीद क्या कहते हैं नज़ारे भी दिखाएँगे यूनिवर्सिटी के, स्टे ट्यून्ड।